ता है न हम कभी होने। ये कानून का शुद्ध रूप से उपयोग, शुद्ध रूप से उपयोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा, मगर उसको खत्म करते वक्त हम ये भी नहीं देखेंगे कि ये किस धर्म के व्यक्ति ने किया है। ये दोनों चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जो कोई भी इसके दायरे में आएगा, जो कोई भी इसकी कानून की जद में गुनाह करेगा, उसको नश्चित करने का काम ये कानून करेगा, ये मैं सदन को आश्वस्त करना। दूसरी बात, काफी सारे सदस्यों ने कहा पोटा को रिपील करना पड़ा, टाडा को रिपील करना पड़ा क्योंकि इसको मिसयूज हुआ था। मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं साहब, पोटा को मिसयूज के लिए रिपील नहीं किया गया था, पोटा को वोट बैंक बचाने के लिए रिपील किया गया, कोई मिसयूज नहीं हुआ पोटा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, पोटा एक कानून था जो देश को आतंकवाद से बचाता था, पोटा एक कानून था जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करता था, पोटा एक कानून था आतंकवादियों के जहन के अंदर भय पैदा करता था और जो करते थे उनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाता था, फांसी के तख्ते पर चढ़ाता था। वो कानून को 2004 में यूपीए की सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव में रिपील किया। मैं मानता हूं अध्यक्ष जी कि एक राजनीतिक कदम था, हमें कोई आपत्ति नहीं, राजनीतिक कदम उठाइए, परंतु संसद के सदन का उपयोग तो राजनीति के लिए न करिए। आप ऐसा कहेंगे कि पोटा का मिसयूज हुआ था और जो पकड़े गए इसके धर्म के कितने थे, ऐसे गए ओबीसी साहब ने कहा कि मुसलमानों पर कार्रवाई होती है। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा रिकॉर्ड मिल जाएगा जब हमने नहीं करा। मैं कांग्रेस के सदन नेता को कहना चाहता हूं कि हमने रिपील नहीं किया था, वो एक्सप्लेनेशन ही पॉलिटिकल था। यहां सदन के सब जब ये बोल रहे थे हम इस तरह की बहस नहीं करें, आपका रक्षण चाहिए। माननीय आप गृहमंत्री जी सक्षम है, माननीय सदस्य आपको, माननीय सदस्य एक मिनट सुनिए। When entire discussion was held, there was absolutely no interruption from this side. Now it is your turn. Please listen to him. The Honorable Home Minister is replying. See, with rapt attention, you are trying to disturb. It is unfair, I am telling you. I am only appealing to you. This is a very important enactment we are bringing. Kindly listen very patiently. And if you have got any clarification, you will have ample of opportunity for that. No, please listen. I appeal to you. I appeal to you not to disturb. Please, Manish, माननीय सदस्यगण, मैंने पूर्व में भी स्पष्ट किया था और पूर्व में भी व्यस्तान होने के बाद भी जब कश्मीर की चर्चा हो रही थी तो माननीय अध्यक्ष जी के बाद मैंने आपका क्लियरिफिकेशन कराया था। व्यस्तान होने के बाद मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका देता हूं सदन के अंदर और सरकार से भी ये अपेक्षा करता हूं कि हर सदस्य का क्लियरिफिकेशन सरकार करे। इसलिए जब माननीय गृह मंत्री जी बात रखते हैं तो कोई माननीय सदस्य कोई बात क्लियरिफिकेशन करना है तो आप मुझे टेबल ऑफिस पर कागज भेजना, मैं निश्चित रूप से आवश्यकता होगी विषय ऐसा होगा तो निश्चित रूप से सरकार से क्लियरिफिकेशन कराऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने कहा उसके समर्थन में मैं कुछ और कहना चाहता हूं कि पोटा को रिपील करना उचित कदम नहीं था, ऐसा मेरा आज भी मानना है। और न केवल मेरा, ढेर सारे सुरक्षा एजेंसियों के अंदर सालों तक सर्विस करने वालों अफसरों का मानना है कि पोटा को रिपील करना ठीक नहीं था। इसका परिणाम क्या हुआ, 2004 से 2008 तक देश में आतंकवाद इतना बड़ा कि जिस एनआईए को आज हम और ताकत देने जा रहे हैं वो यूपीए सरकार को ही लेकर आनी पड़ी। देश के अंदर स्थिति कब्जे में काबू में नहीं रही। जब मुंबई के अंदर बम ब्लास्ट हुए, घंटों तक आतंकवादी अपना तांडव दिखाते रहे, तब जाकर एनआईए लाने का फैसला हुआ। और पोटा अगर न निकालते तो
देश के अंदर वो आतंकवाद की स्थिति नहीं होनी थी, शायद मुंबई ब्लास्ट भी न होता। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम कोई भी अवेयरमेंट करते, कोई भी कमेंट करते, तो देश की जनता इस सदन के बारे में क्या सोचती है, सदन के सदस्यों के बारे में क्या सोचती है, सदन एज अ होल क्या इंप्रेशन दुनिया में बन रहा है, देश की जनता के मन में क्या संदेश दे रहे, इसको सोच कर बोलना चाहिए। कोरी पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। यहां ओवैसी साहब ने कहा मुसलमानों पर कार्यवाही होती है, हिंदुओं पर नहीं होती। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है कि जब तमिल ऑर्गेनाइजेशन भी टेररिज्म करते थे तब भी कसकर कार्यवाही होती थी। किसी ने किसी का धर्म नहीं देखा है, ना देखना चाहिए, मगर जब हम यहां खड़े होकर इतने गंभीर मसले पर अपनी तकरीर देते हैं, अपना भाषण देते हैं, तो हमने ये भी सोचना चाहिए कि इसके दूरगामी असर होते हैं। इससे टेररिस्टों का भी मॉडल बढ़ता है। टेररिस्टों को काबू में रखने के लिए कि एजेंसी के और ताकत देने की बात हो और सदन की एकमत न हो, तो इससे आतंकवाद फैलाने वालों का मनोबल बढ़ता है। मेरा सभी दलों के लोगों को एक अपील भी है कि ये कानून देश के टेररिज्म को टैकल करने के लिए हमारी एजेंसियों को ताकत देगी। हिसाब निकालना है तो एक समय मांग लीजिए अध्यक्ष जी को, मैं भी तैयार हूं चर्चा करने के लिए और मन खोल कर से। मगर एनआईए को जहां तक हमने ताकत देने का सवाल है, ये सदन एकमत रहे, एकजुट रहे, ये देश की जनता को संदेश देने के लिए भी जरूरी है, दुनिया को संदेश देने के लिए भी जरूरी है, और सबसे ज्यादा आतंकवादियों को संदेश देने के लिए जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, फारूक साहब ने एक मसला उठाया जम्मू कश्मीर का, उनकी पार्टी के एक मेंबर रिटायर्ड जज साहब थे, वो एक किसी के घर पर गए थे, वहां फायरिंग हुई है और एक सिक्योरिटी पर्सनल इसमें थोड़ा गायब उसको लगा भी है। मैं इस बात की आपकी कंसर्न की नोट लेता हूं फारूक साहब, तंत्र इसके पीछे पड़ा है और मुझे भरोसा है कि इस पर हम जल्द ही इसके मूल तक पहुंचेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई। माननीय गृह राज्य मंत्री जी, आदरणीय